अमित भाई, आपको नेटवर्क 18 को ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पहला इंटरव्यू है नेटवर्क 18 के साथ गृहमंत्री बनने के बाद। आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। 305 सीट लेकर आप वापस आए, इसकी भी आपको बहुत बधाई। मेरा पहला सवाल ये है कि आज इंटरव्यू हम 6 कृष्णा मेनन मार्ग में कर रहे हैं, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहा करते थे। 1996 में आपने उनका इलेक्शन संभाला था, जब आप यहाँ पहली बार आए तो आपके मन में क्या विचार थे? नहीं, कई बार ये घर के अंदर आना हुआ जब अटल जी यहाँ रहा करते थे। हर अच्छे मौके पर उनके आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आते थे, मैं भी आता था। तो बहुत सारी स्मृतियाँ पार्टी की इस घर के साथ भी जुड़ी है और बहुत अच्छा महसूस हुआ जब ये घर मुझे अलॉट हुआ। अमित भाई, आप जो है एक मामूली कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, आज आप देश में गृहमंत्री हैं। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में आप सेकेंड मोस्ट पावरफुल लीडर हैं देश के। आप अपने इस सफ़र को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ही विशेषता है, उसकी कार्यपद्धति की विशेषता है कि अगर आप में लगन है, मेहनत करने की क्षमता है, एक निष्ठा है, सातत्य है, तो पार्टी आपको धीरे 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 बड़ा बनाती जाती है। और हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे समय भी आते हैं, मगर पार्टी के प्रति निष्ठा रखकर आपने पार्टी पर भरोसा किया है तो मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कभी भी निराशा प्राप्त नहीं होती। और मेरे जैसे कई कार्यकर्ता, एक छोटे से कार्यकर्ता से बड़े बड़े नेताओं ने, ज़्यादातर हमारे नेता बहुत नीचे से अपनी करियर शुरू किए हैं, तो पार्टी की कार्यपद्धति ही एक छोटे से मामूली कार्यकर्ता को बहुत बड़ा नेता बनाती है, बहुत बड़े पद पर बिठाती है और पार्टी ही आगे ले जाती है। ये सवाल तो हम लोग मीडिया में आपसे बहुत बार पूछ चुके थे कि आप मंत्रिमंडल में आएंगे या नहीं, और आपको कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा। एक सवाल मेरे दिमाग में है जो कि मैं पूछना चाह रहा था। हम सब इस 2 दिन पहले जब ये मंत्रिमंडल का वो हो रहा था तो सब लोग कह रहे थे कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, यहाँ तक कि 2-4 चैनल्स ने ये स्टोरी ब्रेक भी कर दी और उसको काफ़ी चलाया। तो ये कैसे हुआ, ये इसमें कुछ सत्य था नहीं था कि कैसे आप गृह मंत्रालय कैसे आप भारतीय जनता पार्टी में, और विशेषकर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तब इस तरह के आकलन नहीं लगाने चाहिए। हमारी संविधान की व्यवस्था है कि मंत्रिमंडल का चयन और मंत्री के चयन के बाद मंत्रियों को विभाग का बंटवारा, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है जो संविधान ने उनको दिया है। तो मैं मानता हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा सोचना या आकलन करना ये निरर्थक होता है। और नरेंद्र भाई बहुत सारे सालों तक संगठन का काम करे हैं। मोदी जी ने संगठन के पूरे देश का काम देखा, गुजरात का काम देखा, ढेर सारे कार्यकर्ता को अच्छे से जानते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो अपने अनुभव और कार्यकर्ताओं की क्षमता के आधार पर फैसला करते हैं और हम सबका दायित्व है कि वो जो फैसला करे उसको सफल बनाना। तो फाइनेंस मिनिस्टर की बात कभी कुछ थी नहीं, मीडिया में ही थी। अमित भाई, अभी आप गृह मंत्रालय के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और आप एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने 5 साल में पार्टी को बहुत टर्न अराउंड भी किया है। मुझे याद है मैं प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय अमित भाई को जाता है, उन्होंने पूरा जिस तरीके से पार्टी को चलाया है। और आज इस मोड़ पर कुछ महीनों में आप जो है इस पद से किसी दूसरे की नियुक्ति करेंगे, क्या इसके बाद भी आप पार्टी में ऐसे ही इन्वॉल्व रहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो नए अध्यक्ष जी मुझे काम देंगे वो मैं जरूर करूँगा, परंतु जिम्मेदारी के अलावे कार्यकर्ता के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी सफल हो। पार्टी के लिए मैं मेरी पूरी शक्तियों को, पार्टी की मेरी पूरी ऊर्जा को नए अध्यक्ष जी को सफल करने के लिए लगाऊंगा। जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, यहाँ पे अभी सफलता भारतीय जनता पार्टी को उस हिसाब से नहीं मिली, तो क्या आपका इन ईस्ट और साउथ पे आपकी नज़र बनी रहेगी? देखिए, ईस्ट और साउथ में हमने लगभग 2 अलग अलग प्रकार के स्टेज हैं। ईस्ट में हमने लोकसभा चुनाव में चुनावी सफलता हासिल की है, बंगाल के अंदर 18 सीट, नॉर्थ ईस्ट पूरा स्वीप कर गए हैं, असम पूरा स्वीप कर गए हैं, उड़ीसा के अंदर 8 सीट, ये कोई कम नहीं है।
लगभग हाफवे मार्क के नज़दीक हमें साउथ के अंदर अभी हमें अच्छी सफलता मिलना बाकी है। विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक सर्कमटेंसिस के कारण इस चुनाव में हमें जितनी हमारी अपेक्षा थी वो सफलता नहीं मिली। तमिलनाडु में हमने, अरे तेलंगाना में हमने अच्छा परफॉर्म किया, परंतु केरल, आंध्र, तमिलनाडु के अंदर हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। कर्नाटक के अंदर हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो साउथ में भी, तेलंगाना और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठीक सफलता मिली है। मुझे लगता है अगले 5 साल के अंदर ये जो राज्य छूटे हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर लेगी। वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाले हैं 1.5 साल बाद, वहाँ पर आप कैसे देखते हैं अपनी स्थिति आज? आपको क्या लगता है कि उस चुनाव में क्या होगा? देखिए, आप हरदम एक प्रेडिक्शन देते हैं। मैं मेरा प्रेडिक्शन अभी से कह देता हूँ, 2/3 बहुमत से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में 2/3 बहुमत? 2/3 बहुमत से। आज आपकी प्रेजेंस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। जब मैं 20 सीटें कहता था तब भी आप लोग मुझे इसे ही पूछते थे। 18 सीट हम पूरी जीत चुके हैं, 3 सीट में 5-7 हज़ार के मार्जिन से गई है जी। और इतनी एट्रोसिटी और इतने रेगिंग के बाद, और जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी ये बंगाल की जनता के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। आज वो क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि हम 18 सीटें जीत चुके हैं। और आपका वहाँ पर चेहरा कौन होगा? चेहरा तो अभी तय नहीं है, होगा या नहीं होगा वो भी तय नहीं है, परंतु बंगाल की जनता ने ये सरकार को निकालना वो मन बना लिया है और आज हम सबसे बड़ा विपक्ष बनकर उभरे। सौरभ गांगुली आपसे मिले तो काफी मीडिया में चर्चा है कि वो चेहरा हो सकते हैं, मुकुल रॉय छोड़कर आए थे ममता जी को। सौरभ जी के साथ राजनीति की कोई चर्चा नहीं, आगे भी नहीं होगी? अभी तो नहीं हुई है। तो आप ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगी, आगे हो भी सकती है? आगे कुछ भी हो सकता है मगर अभी कोई चर्चा नहीं जी। और मुकुल रॉय जो है आपके संग, वो एक चेहरा हो सकते हैं? देखिए, पार्टी अभी चुनाव की काफ़ी देर है, पार्टी उस वक्त निर्णय करेगी कि चेहरा लोगों के सामने लेकर जाना है या पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना है, वो उस वक्त हम तय करेंगे। आप लोग 5 महीना पहले सरकार में आए और इस बार तो सचिन तेंदुलकर भी कुछ 2-4 ओवर सेटल होते थे उसके बाद चौके छक्के मारते थे, आप लोगों ने तो काम तुरंत ही शुरू कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास कश्मीर पर, जिस पर हम आएंगे, पर सबसे पहले जो मुझे लगता है जो चुनाव आ रहे हैं उस पर, उस मुद्दे पर जरा बात करें। महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों स्टेट्स को आप कैसे, पहले महाराष्ट्र को ले लें, महाराष्ट्र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ये 5 साल की यात्रा बहुत रोचक और सफल रही। हमने 2014 में शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, हम अकेले गए और सबसे बड़े दल बनकर उभरे जी। सेना सर और भाजपा की सरकार चली, देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री बने। 5 साल तक महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया। 15 साल के यूपीए के शासन में महाराष्ट्र जो शिक्षा में नंबर 1 होता था, एग्रीकल्चर में नंबर 1 होता था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 होता था, FDI में नंबर 1 होता था, कोऑपरेटिव में नंबर 1 होता था, एग्रीकल्चर में नंबर 1 होता था, वो सारे 15 के नीचे चले गए नंबर। और ये 5 साल के कम समय के अंतराल के अंदर आज 1 से 5 के अंदर है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और नरेंद्र मोदी जी ने भी महाराष्ट्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पर 1,22,000 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली वो देते थे 5 साल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4,78,000 करोड़ रुपया, 3 गुना ज्यादा। ये जो विकास नीचे तक पहुंचा है, और 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा पाए, जिस प्रकार से केंद्र में मोदी जी पर भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। एक पारदर्शी शासन देने का हमने काम किया है और 20 साल के बाद की रिक्वायरमेंट को देखकर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बनाने की शुरुआत हुई, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी सुविधा हुई है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और महाराष्ट्र की जनता, मेरे 3 दौरे हुए हैं, एकदम चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ पर खड़ी। कितनी सीट देंगे आप गठबंधन को? मुझे लगता है हमारे गठबंधन की 2/3 से ज़्यादा सीटें आएगी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी होंगी? ऐसा अंदाज लगाना भी दिक्कत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने आप में भी भारतीय जनता पार्टी एक सिंपल मेजोरिटी की ओर जा सकती है,
आप 164 सीटों पर लड़ सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि इतना सब होने के बाद जो आप बता रहे थे कि 5 सालों में उपलब्धियां हुई हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ये एक बैड मैरिज जैसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि साथ में रहकर भी खुश नहीं है? देखिए, गठबंधन में कई बार कार्यकर्ताओं का दबाव होता है, कई बार सब लोग अपनी अपनी पार्टी को एक्सपांड करना चाहते हैं, और मैं इसमें इस प्रकार के नेगोशिएशंस हो, इसको मैं बुरा नहीं मानता। ये तंदुरुस्त गठबंधन की निशानी है, और अंततो गत्वा चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमारा गठबंधन 100% हुआ है। लोकसभा में भी दोनों पार्टी की कैडर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी और जीती है, विधानसभा में भी एक साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं, जीतेंगे। उसके बाद भी शिवसेना में बीच में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, जबकि उनके नंबर भी आपसे कम है, कम सीटों पर लड़ रहे हैं, फिर भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनका होगा। ठीक, इस तरह की बात देखिए, इसको मैं नहीं मानता, इसको गठबंधन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत स्पष्ट है कि नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री में कोई दो राय नहीं है, कोई डिप्यूटी मुख्यमंत्री, डिप्यूटी सीएम हो सकता है, वो देवेंद्र जी और उनकी टीम परिणामों को देखकर तय करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो परिणाम अगर अच्छे होंगे तो इसकी गुंजाइश है? वो सारे ऑप्शन अभी तो ओपन ही है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और महाराष्ट्र यूनिट चर्चा करके इसको तय करेगा। हरियाणा में क्या सिचुएशन है? हरियाणा में आप गए हैं, क्या लग रहा है आपको, कितनी सीट देंगे हरियाणा? हरियाणा में भी बहुत अच्छी स्थिति है, धारा 370 को हटाने का एक बहुत बड़ा प्रभाव वहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेना में जवान भेजने वाले प्रदेशों में से एक प्रदेश हरियाणा है, और हरियाणा के अंदर भी जीरो करप्शन वाली सरकार चली है। वहाँ पर भी 22,000 करोड़ रुपया 5 साल में यूपीए सरकार ने दिया था, मोदी जी की सरकार ने लगभग 1,17,000 करोड़ रुपया दिया है। ये जो परिवर्तन आया है, ढेर सारे काम हुए, छोटे से प्रदेश के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं जहाँ से रोड नहीं जाता है, 4-लेन रोड, 6-लेन रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पहुँचाना, किसानों की समस्या को हल करना, जितना भी धान और गेहूँ आए वो सारे समर्थन मूल्य से सरकार ने खरीद किए हैं। नंबर आप नहीं दे रहे हैं अभी? नंबर कहना भी ठीक नहीं होगा, 2-3 दिन बाकी है, परंतु वहाँ पर भी हम 2/3 बहुमत को पार कर गए। 2/3 बहुमत, तो मतलब पिछली बार से कहीं अच्छा प्रदर्शन? बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछली बार हमारी। यहाँ पे जाट वर्सेस नॉन जाट फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके फेवर में? देखिए, 5 साल के अंदर इस जातिवाद की राजनीति 100% डाइल्यूट हुई। नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है वो है कि जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण, ये तीनों बातों से बड़े लंबे समय के बाद मोदी जी ने लोकतंत्र को मुक्त कराया। 67 के बाद स्पष्ट रूप से, 65 के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था कि जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण इस देश की राजनीति के अंदर शायद कभी न मिटने वाले दूषण बन गए हैं, परंतु 2014 से 2019 में ये तीनों समस्याओं से काफ़ी मुक्ति मिली। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आने वाले कुछ एक दो प्रदेशों के और चुनाव पर, दिल्ली का चुनाव कब होगा आपके हिसाब से? चुनाव आयोग जब कराएगा तब होगा, फरवरी के शुरुआत में, जनवरी के एंड में होता है जी। वहाँ पे आपको क्या, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति लगती है? हाँ, इस बार हमारा बहुत अच्छा परिणाम आएगा, तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हम जीते हैं, सभी के सभी लोकसभा सीटें जीते हैं, और वर्तमान सरकार से मोहभंग की स्थिति पूरी हो चुकी। पिछली बार आपका कोई वहाँ पे चेहरा नहीं था, वो आज भी दिल्ली में कोई ऐसा सामने चेहरा है नहीं, तो उसका आपको कोई घाटा हो सकता है? ऐसा नहीं है कि नहीं ही आएगा, पार्टी विचार करेगी इस पर, तो चेहरा आगे करेंगे, परंतु मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से आप पार्टी से मोहभंग हुआ है, इसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हम सबसे बड़े दल बनकर, विजेता बनकर उपसे, और लोकसभा में 100% विजय प्राप्त। अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बदली है, पहले मोदी जी को काफ़ी अटैक करते थे, इधर 2 साल से अटैक नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि आर्टिकल 370 जब आपने हटाया तो वो पहले नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन भी किया। नहीं, वो ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव? देखिए, परफॉर्मेंस और इसका कोई लेन देन नहीं होता है, कोई अगर ये माने कि मैं
सतही तौर पर क्या बोलता हूँ इसके आधार पर ही वोट तय होता है, वोटर अपना वोट तय करता है, मतदाता अपना मत तय करता है। तो मैं नहीं मानता ऐसा। जो आपका परफॉर्मेंस है, जमीनी परफॉर्मेंस, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। एक और क्रूशल स्टेट अगले साल डेढ़ साल में इलेक्शन पे जाएगा, वो है बिहार, जहाँ पर आपने नीतीश कुमार के संग गठबंधन में चुनाव लड़ा है। पिछली बार उसको आपने स्वीप भी किया था। यहाँ पर भी कुछ ये बैड मैरिज टाइप की सिचुएशन है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करने से उन्होंने मना किया, उसके बाद भी कुछ नोकझोंक लगी हुई है, कुछ नोकझोंक चल रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार अपने आप अलग से चुनाव लड़ेगी? देखिए, जदयू और भाजपा का गठबंधन अटल है, दोनों पार्टियां साथ में चुनाव में जाएगी और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, स्पष्ट। जहाँ तक बिहार का सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर NDA मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति के क्षेत्र में काम करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है, साथ में ही चुनाव? देखिए, गठबंधन होता है तब छोटी बहुत नीचे के स्तर पर अनबन होती ही है, वो होनी ही चाहिए, वही स्वस्थ गठबंधन की के लक्षण है। परंतु मतभेद की स्थिति में नहीं परिवर्तित हुए, हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, एक साथ होकर चुनाव। अमित जी, सवाल जो सबसे बुलंद मुद्दा रहा है पिछले कुछ महीनों में, कश्मीर का मुद्दा, देखने में धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में आपने धीरे धीरे सर्विसेज वापस भी की हैं, अब पोस्ट पेड सर्विस जो है मोबाइल की भी शुरू हो गई है। आप, मेरा जो सवाल है पहले एक ब्रॉड सवाल है, आप कैसे देखते हैं कि कश्मीर आगे जाएगा, सिचुएशन कैसे इम्प्रूव करेगी? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 4 महीने लगेंगे सिचुएशन को नॉर्मल होने में, ये कैसे होगा, क्या कदम उठाएंगे आप जिससे कि ये हो? देखिए, कश्मीर की 3 समस्याएं थी, एक तो अलगाववाद और आतंकवाद, दूसरा रैम्पड करप्शन, जबरदस्त भ्रष्टाचार था, और तीसरा एक विकास का जो खाका होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसका अभाव था। मुझे लगता है तीनों समस्याओं का जड़ धारा 370 में था। धारा 370 के कारण पाकिस्तान की एजेंसियों ने वहाँ के युवाओं को भ्रमित किया, पहले अलगाववाद, अलग राज्य, बाद में आज़ादी, न मिले तो आतंकवाद, और हाथ में बंदूक थमा दी। 90 से लेकर आज तक 40,000 लोग मारे गए, और इसका अगर कोई डिटेल स्टडी करता है तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा थोड़े स्टडी के बाद कि ये धारा 370 के कारण हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि आतंकवाद को मूल समेत नष्ट करने का काम धारा 370 को समाप्त करने के साथ शुरू हुआ है, और इस दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। दूसरा, एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं था, धारा 370 का उपयोग कर वहाँ ब्यूरो ही नहीं बना है। आज देश के सारे कानून वहाँ लगे हैं, ED को भी सर्व अधिकार प्राप्त है, इनकम टैक्स को भी है, और ACB भी बनी है। अब भ्रष्टाचार पर वहाँ नकेल कसी जाएगी, तो जो पैसा केंद्र से जाता है, जो जम्मू कश्मीर सरकार का रेवेन्यू है, वो पूरा का पूरा जनता के कामों के विकास में खर्च होगा, तो इससे डेवलपमेंट बढ़ने वाला है। दूसरा, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 73 और 74 अमेंडमेंट के तहत स्थानीय इकाइयों के हाथ में, वहाँ वो चुनाव कराते ही नहीं थे, पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, चुनाव ही नहीं होते। अब क्योंकि वहाँ 73 और 74 वा संशोधन अप्लाई हो गया है, तो नियमित स्वरूप से पंच सरपंच के चुनाव कराने पड़ेंगे। अभी ब्लॉक्स के चुनाव चल रहे हैं, और एक बहुत बड़ी राशि कश्मीर जैसे राज्य में लगभग 6500 करोड़ की राशि सीधी पंचायती राज के हाथ में जाएगी, तो इससे भी गांव का विकास को बल मिलेगा। और तीसरा, एक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलकर कश्मीर के विकास का 15 साल का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, खाका बना रहे हैं, और मुझे लगता है ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर का, इंडस्ट्री का, टूरिज्म का, ये सारा विकास होता है, तो कश्मीर को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और धारा 370 जाने के बाद ये तीनों चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ा हर्डल धारा 370 और 35 से थी, वो हट चुका है।
तो ये स्पेशल पैकेज फाइनेंशियल पैकेज भी होगा? देखिए पैकेज ऑलरेडी मोदी जी ने दिया हुआ जी, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, इसमें करप्शन होता था। अब एक विजन के साथ, एक अच्छी ब्लूप्रिंट के साथ वहाँ विकास का खाका खींचा जाएगा। ये जो अभी आपने इलेक्शन की बात की जो होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, बाकी पार्टीज ने बॉयकॉट किया है। देश के कई हिस्सों में पंचायत चुनाव में पार्टियों को परमिशन ही नहीं है, सारे निर्दल लड़ते हैं, ढेर सारे स्टेट ऐसे जी, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्या? गांव के मतदाता वोट देकर अपना पंच और सरपंच चुनते हैं, और गांव के विकास का फंड उनके हाथ में जाता है जो गांव वालों के साथ बैठकर तय करते हैं कि मेरे गांव की प्रायोरिटी क्या है। पंचायत घर बनाना है, स्कूल के कमरे बनाने हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, स्वच्छता की व्यवस्था को ज़्यादा सुदृढ़ करना है, तो ये प्रायोरिटी जब गाँव तय करता है तब विकास की गति अनेक गुना बढ़ जाती है। भारत में जब ये अनाउंसमेंट आया तो भारत में इसकी बड़ी सराहना हुई, आपको बहुत अच्छा, प्रेस ने भी इसका बहुत सपोर्ट किया, पर फॉरेन प्रेस इसमें काफ़ी क्रिटिकल रहा। खास करके एक मुद्दा उठाता है कि डेमोक्रेटिक लीडर, इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो हाउस अरेस्ट में हैं, तो ये कब तक हाउस अरेस्ट में रहेंगे? पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन्होंने, देखिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी मुद्दे को तूल दे रही है जी, और NC नेशनल कॉन्फ्रेंस तूल दे रही है। मैं दोनों पार्टियों को बताना चाहता हूँ कि धारा 370 हटाने जैसी कोई घटना नहीं हुई थी, कोई इतना बड़ा फेरबदल आपने कश्मीर की राजनीति में और संवैधानिक स्थिति में नहीं किया था, फिर भी आपने 11 साल तक शेख अब्दुल्ला जी को जेल में रखा था, कश्मीर के मुख्यमंत्री नाते उनको पदच्युत कर दिया और बाद में जेल में रखा, और अब आप हमें सवाल पूछ रहे हो? अभी अभी हमने बड़ा फैसला दिया है, लोगों की भावना भटकाने का अगर कोई प्रयास करता है तो हमें एहतियात के तौर पर कदम उठाने पड़ेंगे, और हमारी टॉप प्रायोरिटी कश्मीर में शांति है। तो ये स्टेटहुड कब रेस्टोर हो पाएगा कश्मीर में? आपने कोई एक साल दो साल कोई टाइम फ्रेम है? इस तरह का टाइम फ्रेम नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि वो सिचुएशन पर निर्भर होगा। अगर सब लोग कोऑपरेशन देकर सिचुएशन को जल्दी नॉर्मल कर लेते जल्दी हो जाएगा। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट करेंगे आप? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, सर्विसेज कंपनीज आए? राहुल जी, वहाँ इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं पड़ी हैं, टूरिज्म के क्षेत्र के अंदर पड़ी है, खनिज के क्षेत्र के अंदर पड़ी है, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं पड़ी, हेल्थ सेक्टर पूरा खुला पड़ा है, ढेर सारी संभावना, मगर 370 ने उनको रोक कर रखा था। ये जो अटैक्स हो रहे हैं लोगों पर, जैसे फार्मर्स पर, वहाँ की रोज की जो व्यवस्था नहीं होती है, दो महीने में 4 अटैक हुए, तो आपको भरोसा है कि लॉ एंड ऑर्डर? एक मिनट, और 90 से आज तक की एक महीने की 16 अटैक की या घटनाओं की एवरेज है, तो आप कह रहे हैं ऑलरेडी कम हो गए हैं, तो उसको और काफी कम हो गया है, और कंट्रोल करेंगे। क्या आप कश्मीर में कभी नॉन मुस्लिम चीफ मिनिस्टर देखते हैं? ऐसे नहीं सोचना चाहिए, कश्मीर की जनता जो तय करेगी वो मुख्यमंत्री होगा, मुसलमान चीफ मिनिस्टर उससे भी आपत्ति नहीं, हिंदू हो इसी से भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मगर वो कश्मीर की जनता ने तय करना है। एक और सवाल, आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ है, अगर इसका कुछ जजमेंट विपरीत आ गया तो क्या होगा, तो उसको कैसे डील? देखिए पूरे बिल की ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व था, मैं आपको बताता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लीगल स्क्रूटिनी के अंदर ये बिल बहुत अच्छे तरीके से 100 में से 100 मार्क प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। कुछ पॉलिटिकल सवालों की ओर, आपने इधर बीच रिसेंटली कहा कि इस देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहा है, इस बात पे आप कुछ थोड़ा सा? मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा कहा था कि 2014 के पहले जिस प्रकार से 10 साल तक UPA की सरकार चली, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठ गया था, लोग आंदोलन करते थे, हजारों हजारों लोग सड़क पे आ जाते थे, बाबा रामदेव का आंदोलन चलता था, अन्ना हजारे का चलता था, एक के बाद एक के बाद एक 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार बाहर आ रहे थे, सीमाओं की सुरक्षा नहीं थी, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, तो एक अव्यवस्था का आलम बना हुआ था। और 14 के बाद मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार उनको बनाने का मौका मिला,
और 5 साल के अंदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर देश की जनता की श्रद्धा बढ़ी है। एक और मुद्दा है जो कि बराबर उठता रहा है, इसमें भी बाहर चर्चा होती है, इससे कभी कभी देश का बाहर परसेप्शन भी गलत बनता है, वो लिंचिंग का मुद्दा। और अभी मोहन भागवत जी ने भी कहा कि लिंचिंग जैसी चीज़ जो है हमारे इंडियन कल्चर में है ही नहीं, तो ये मॉब लिंचिंग का जो मुद्दा है इसको हम लोग कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आए दिन कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से हत्या होती है तो धारा 302 है, और जितने भी घटनाओं के अंदर किसी की जान गई सब में लगाया गया है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसकी छानबीन भी अच्छे की है और चार्जशीट भी अच्छे से किया है, कुछ लोगों को सजा भी हुआ है। अब इस समस्या को राजनीतिक स्वरूप देना है या सामाजिक दूषण समझकर इसके सामने जागरूकता लाकर इसको, इसका समाधान लाना है, वो समाज ने तय करना पड़ेगा, देश की जनता ने तय करना। मैं मानता हूँ कि इस दूषण के खिलाफ जागृति लाकर, जागरूकता लाकर इसको हल करना चाहिए। और ये मॉब लिंचिंग की, सो कॉल्ड मॉब लिंचिंग के जितने भी आरोप हैं उसकी संख्या ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बढ़ी है। प्रचार ऐसा हो रहा है, पहले भी एक गांव में कोई चोर पकड़ा जाता था तो गाँव वाले इकट्ठा होकर मारते थे, मारते मारते शायद मृत्यु भी हो जाती थी, ऐसी घटनाएँ पहले भी हुई। तो आप कह रहे हैं आज इसको कलर दे दिया जाता है कि इसको कलर दे दिया जाता है और ये ठीक नहीं। पर ज़्यादातर आप ये नहीं मानेंगे कि जो घटनाएं हो रही हैं उसमें मुसलमान या नीची जाति के लोग मर रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पहले की घटनाओं का भी आप एनालिसिस कर लीजिए, गरीब के पर होती है। तो इसके, इसको टैकल करने के लिए कोई कानून लाएंगे या? कानून है, विद्यमान है कानून जी, अच्छे तरीके से जाँच करनी चाहिए, अच्छे तरीके से कानून को अप्लाई करना चाहिए, और इसके लिए गृह मंत्रालय ने परिपत्र भी किए हैं, एडवाइजरी भी जारी की। हाल ही में हिंदी दिवस के दिन आपने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश को जोड़ सकती है, देश को समेट के एक साथ ला सकती है। उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो गई, उसके बाद ममता जी ने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया, स्टालिन ने कुछ कहा, सब ने अपनी अपनी, सब ने कहा कि ये जो है स्टेटमेंट ठीक नहीं है और उसका विरोध किया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने मेरा भाषण पूरा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा सुन लीजिएगा। मैंने सबसे पहले कहा था कि हमारी सभी भारतीय भाषा को मजबूत करना चाहिए, ताकत देनी चाहिए, परंतु कई बार सब राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन में अंग्रेजी का उपयोग होता है, इसकी जगह अगर हिंदी का उपयोग होता है तो हमारी भाषा है इसको ताकत देनी चाहिए, और वो क्षमता हिंदी में पड़ी है। तो आप अंग्रेजी के परिपेक्ष में कह रहे थे कि ना कि और भाषा? मैंने बार बार उसमें भारतीय भाषाओं को मजबूत करने की बात कही है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। मैं भी नॉन हिंदी प्रदेश से आता हूँ जी, और सुनते हैं कि आपके मंत्रालय में आपने आते ही हिंदी पे बहुत ज्यादा बल दिया, ज्यादातर मेरे मंत्रालय का तो राजभाषा विभाग ही मेरे मंत्रालय का एक अंग है। प्रधानमंत्री ने इधर बीच तमिल भाषा की सराहना की, तारीफ पुरानी भाषा है, हाँ, कहे सबसे पुरानी भाषा है, और इस बार वेष्टी पहनकर जो है वहाँ पे भी गए। तो क्या ये इस वक्त आप लोगों की अब साउथ को वू करने का, साउथ में जो आपकी प्रेजेंस वीक है उसको आप मजबूत करने का, ठोस करने का ये एक वो तरीका भी है? नहीं नहीं, ये देश के सभी संस्कृतियों को प्रधानमंत्री जी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो ये हिंदी वाला, ये आरएसएस से प्रभावित नहीं है, वन नेशन वन लैंग्वेज इस तरह की कोई बात नहीं है हिंदी वाले? देखिए, मैंने स्पष्टता कर दी, फिर से कहता हूँ, मेरे उसी भाषण को उठाकर सबने देखना चाहिए जिसमें मैंने बार बार कहा है कि स्थानीय भाषाओं को बल देना चाहिए, स्थानीय भाषाओं को मजबूत करना चाहिए, और हमारी कोई भी स्थानीय भाषा विदेश की किसी भी भाषा से बहुत समृद्ध है। अमित जी, एक ऑपोजिशन का एक और आरोप है कि जो है आजकल स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज CBI ED का उपयोग किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ऑपोजिशन के लीडर्स को परेशान करने के लिए, उनके खास करके टाइमिंग आजकल प्रफुल्ल पटेल जी के पीछे, जैसे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के पहले चिदंबरम जी के पीछे पड़े थे डी शिव कुमार, पर ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं के ऊपर लागू नहीं होती, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इसके बारे में आप क्या कहें? पहले मैं एक बात कर दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि इसमें से बहुत सारी FIR UPA सरकार में रजिस्टर हुई है, हमने नहीं करी है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो आरोप लग रहा है वो पॉलिटिकल वेंडेटा का लग रहा है जी। अगर पॉलिटिकल वेंडेटा होता तो 6 साल क्यों लगते, 1-1.5 साल में ही नाटक कर धर लेते। थरोली इन्वेस्टिगेशन हुआ है,
सच्चा इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसके आधार पर एजेंसी अपनी काम कर रही है। यही मीडिया में पूछता था, आप कहते थे 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, कोई किसी पर कोई एक्शन तो नहीं लिया। ढेर सारे कांग्रेस के नेताओं ने भाषण करें कि भाई अगर हमने भ्रष्टाचार करा था तो आप हमें पकड़ते क्यों नहीं हो, जब एजेंसी पकड़ने जाती है तो हाय तोबा मचाते हैं। और टाइमिंग का सवाल है, सोनिया जी पर FIR हुई, एक प्राइवेट कंप्लेनेंट ने की, सुब्रमण्य स्वामी जी ने की, उनको बेल लेनी पड़ी। कौन सा इलेक्शन था, पी चिदंबरम पर उनको अरेस्ट किया गया, कौन सा इलेक्शन था, उसका कोई इलेक्शन नहीं था। डीके सिंह कुमार कर्नाटक में, कोई इलेक्शन नहीं। अब कहीं कैग ने, कहीं सीवीसी ने, कहीं देश की सर्वोच्च अदालत ने जो ऑर्डर्स किए हैं इसके आधार पर यूपीए सरकार ने ही FIR रजिस्टर किया और वो FIR के तहत जांच हो रही है। और मैं सबको कहना चाहता हूं कि कोई भी एजेंसी की जांच अंतिम नहीं होती है, हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था है, यू कैन चैलेंज इट, सेशन कोर्ट में चैलेंज करिए, हाई कोर्ट का ऑप्शन है, बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, तो सबने जाना चाहिए, कोर्ट में जा भी रहे हैं। अब अगर कोर्ट समर्थन नहीं कर रही है तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ थी। जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे तो आपके पीछे भी एजेंसीज लगी हुई थी, आपका उसके बारे में क्या कहना है, आपको नहीं लगता कि उस वक्त उन पर दबाव था? देखिए, पी चिदम्बरम जी जब होम मिनिस्टर थे तब मुझे, मेरे पर CBI ने FIR रजिस्टर किया था और CBI गृह मंत्रालय में नहीं आता है, और आज भी ED और CBI गृह मंत्रालय में नहीं आता है, तो आप गृह मंत्रालय को इसको पहले साइड में छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जब मुझ पर FIR हुई, मैंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन किया, हाईकोर्ट ने एक ही महीने में कह दिया था देर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट अमित शाह, और मैं बरी होकर नहीं आया हूँ भैया, डिस्चार्ज होकर आया हूँ, चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया मेरे खिलाफ। और जजमेंट में लिखा गया, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक कन्फर्म हुआ है, कि ये पोलिटिकल वेंडेटा का क्लियर कट केस है। तो आप ये जरूर मानते हैं कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो सकता है पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, अगर कोई करना चाहे, मगर आप ये कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। चलिए, मेरा तो मानना है हम नहीं कर रहे, वरना हम तो कब के कर चुके होते जी। फिर भी कोर्ट खुली है सबके लिए। NRC की ओर जाएंगे अमित जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा, आपका ये रोड मैप क्या है? आप ये हर जगह, हर इलेक्शन में के पहले, हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले पूरे देश भर में आप इसको लागू कर सकेंगे। और ये जिन घुसपैठियों को आप निकालने की बात कर रहे हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ, इनको निकालेंगे कैसे? इसका एक लीगल प्रोसेस है, UN का कन्वेंशन है, उसके एक रूल्स तय किए गए, इसके हिसाब से कार्यवाही होगी। तो आपको पूरा भरोसा है कि ऐसा हो पाएगा? असम में जैसे देखा गया है कि प्रोसेस में भी काफ़ी सारी गड़बड़ियां हैं, ये गड़बड़ियों को अगर है, कोई लूपहोल्स अगर है तो उसका हम स्टडी करेंगे, लूपहोल्स को प्लग कर नई सिस्टम बनाएंगे। क्या आप मानते हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं इस तरह की? मेरा मानना न मानना का इसलिए सवाल नहीं होता कि अभी प्रक्रिया चालू है, इस प्रक्रिया पर बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। आप NRC की बात वेस्ट बंगाल में भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस बात पर आप अडिग रहेंगे जी, और अगले चुनाव पे ये एक बड़ा भारी मुद्दा रहेगा वेस्ट बंगाल में आपकी ओर से? चुनाव का मुद्दा है भी, ये चुनाव में भी था या इस चुनाव में भी था जी। तो आप कहते हैं कि जो सफलता इस चुनाव में मिली है इस मुद्दे को उठाने से आपको? कई सारे मुद्दे होते हैं, मगर एक मुद्दा ये भी था, ये बड़ा मुद्दा था। ये जो डिटेंशन कैंप्स की बात कर रहे हैं, थाने में बन रहे हैं, बैंगलोर में बन रहे हैं, डिटेंशन कैंप से कैसे, क्या इससे क्या अचीव होगा? देखिए, एक ट्रिब्यूनल होती है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से होता है, प्रशासन अपनी तैयारी करता रहता है वहीं, मगर ट्रिब्यूनल की एक लीगल प्रोसेस, वो प्रोसेस अभी शुरू हुई। तो आप कह रहे हैं कि ये डिटेंशन कैंप जो बन रहे हैं ये इस प्रोसेस का ही एक पार्ट है? नहीं, प्रशासन एडवांस में तैयारी करता है कई बार, अभी तो लीगल प्रोसेस चालू है। आपने एक स्पीच में हाल में कहा कि जितने भी हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैन हैं, वो सब हमारे देश में सुरक्षित हैं। आपने उसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं किया, ऐसा सुरक्षित है ऐसा नहीं कहा आपने, कहा रेफ्यूजी लोगों को हम नागरिकता देंगे ऐसा कहा। इसका कारण है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से माइनॉरिटी अपना धर्म बचाने के लिए अगर इस देश की शरण में आती है, प्रताड़ित होकर आती है, अपनी
माताओं बहनों का बच्चियों का सम्मान बचाने के लिए यहाँ आती है तो वो शरणार्थी होते हैं, घुसपैठिए नहीं होते हैं। और अगर कोई रोजी रोटी के लिए आता है या कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आता है तो वो घुसपैठिया होता है। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात आपने इसलिए नहीं की क्योंकि वो लोग घुसपैठी थे, वो यहाँ पे कुछ एजेंडा लेकर आए। मुसलमान घुसपैठी है ऐसा मेरा, उन पर धार्मिक प्रताड़ना होने की संभावना ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या, वहां धार्मिक प्रताड़ना होने की संभावना है। तीस बंटवारे के वक्त दोनों पाकिस्तान इकट्ठा होकर 30% हिंदू थे, 6.5% हो गए, कहां गए? अगला एजेंडा आपका क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड कब तक आप लागू कर पाएंगे? आप एक टाइम फ्रेम, हमारी घोषणा पत्र का हिस्सा है, उचित समय पर इस पर पार्टी और सरकार दोनों विचार करेंगे। अभी कोई तिथि देना संभव नहीं है, ना देनी भी चाहिए इस प्रकार के इंटरव्यू पर। इस सरकार का ये एजेंडा रहेगा और इसको हमारे घोषणा पत्र में है तो ऑटोमेटिक एजेंडा बनता है, घोषणा पत्र के आधार पर ही सरकार चुन कर आई है। थोड़ा सा राम मंदिर के बारे में बात करेंगे, आप कैसे देखते हैं इसको, क्या आपकी अपेक्षा है कि किस तरह का जजमेंट आएगा? देखिए 1950 से केस चल रहा है और मुझे लगता है काफी देर हो चुकी थी, अब जजमेंट रिजर्व हो गया है, थोड़े समय में जजमेंट आ जाएगा। और मैं मानता हूं कि जो भी जजमेंट आएगा इसको दोनों समुदाय, दोनों वर्ग स्वीकार करेंगे। अगर यह जजमेंट हिंदू पक्ष में आएगा तो राम मंदिर कितनी जल्दी बन पाएगा? अगर मगर का सवाल नहीं है, देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम लोगों ने, न्यायमूर्तियों ने बैठकर इसको सुना है, जो जजमेंट देंगे मुझे भरोसा है दोनों समुदाय इसका स्वीकार करेंगे। और इस जजमेंट के बाद आपको लगता है कि जो जहाँ पे और जगह पे जो विवादित, जैसे मथुरा और काशी, क्या वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें और आगे बढ़ेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है, और इस प्रकार की सोच कोई कर भी नहीं सकता है क्या होगा, परंतु ये मसले का समाधान इस जजमेंट से हो जाएगा इसकी मुझे काफ़ी आशा है। जो जजमेंट आएगा उसको दोनों समुदाय स्वीकार करेंगे। अमित जी, आप गृहमंत्री होने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, सारे जीओएम्स को आप, काफ़ी सारे जीओएम्स को हेड भी कर रहे हैं, आप सब में हैं भी। आज देश के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो है इकॉनमी का मुद्दा। आप बिजनेस में भी रहे हैं, आपको स्टॉक मार्केट का भी ज्ञान है, आप तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप GDP के आंकड़े देखें तो चाहे जिसका भी आप अनुमान देखें, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, वो नीचे गिरता जा रहा है और मंदी का माहौल है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे रियल स्टेट सेक्टर हो, चाहे एक्सपोर्ट्स को ले लें, मंदी का थोड़ा सा माहौल है, सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी ख़राब है। इस सेंटिमेंट को आप कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे? देखिए, आपके सवाल का जवाब दो हिस्सों में मैं देना चाहूँगा। जी, सबसे पहले आप जो कह रहे हैं, स्लो डाउन चल रहा है, मंदी है, मंदी का माहौल है, राहुल जी 1990 के बाद इस देश का नहीं, पूरी दुनिया का अर्थतंत्र ग्लोबलाइज हुआ है, इसका वैश्वीकरण हुआ है, लिबरलाइज हुआ है जी। और 1990 के बाद धीरे 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 चलते 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 विश्व के अर्थतंत्र का प्रवाह अब एक ही होता है। अभी जो स्लोडाउन की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं है, ये वैश्विक मंदी है, और वैश्विक मंदी की असर से भारत का अर्थतंत्र अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि काफ़ी हद तक ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। अब भारत के अकेले के आंकड़े को गत वर्ष के इस तिमाही के आंकड़े के साथ इसका मूल्यांकन करना, इसका कंपेरिजन करना, ये उचित नहीं होगा। देश के टॉप 10 इकोनॉमी को आपको लेना पड़ेगा, सबके GDP में कितनी गिरावट आई है, कितने परसेंट की गिरावट आई है, और उसके कंपैरिजन में भारत की गिरावट कितनी है, इस प्रकार का एक तुलनात्मक स्टडी कर अभ्यास कर ये मंदी की असर को और भारत के परफॉर्मेंस को आप एसेस कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये असेसमेंट लगाने की सही दिशा होगी, ये एक बात। दूसरी बात, इससे कैसे निपटेंगे? जब से भी ग्लोबल शोडाउन की असर शुरू हुई है, देश की वित्त मंत्री ने ढेर सारे सेंटरों पर जाकर उद्योगपतियों से, ट्रेडर्स से, चार्टर अकाउंटेंट से, अलग अलग अर्थशास्त्रियों से घंटों तक संवाद किया है जी।
इसमें से ढेर सारी चीज़ें उन्होंने निकाली थी। देश की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, कुछ वित्त विभाग में निर्मला बहन के नेतृत्व में ढेर सारे फैसले हुए, और वो फैसले बड़े बड़े पांच ब्लॉक्स के अंदर, पांच विभागों के अंदर हुए हैं। और ईश्वर कृपा ये है कि इस बार खरीफ की बारिश, खरीफ का क्रॉप बहुत अच्छा आने वाला है। देश भर में सार्वत्रिक बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो खरीफ के क्रॉप का अंदाज मेरे हिसाब से 5 से 6 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये नया ब्लड जब अर्थतंत्र के अंदर आएगा, और ये सारे कदम जो निर्मला जी ने उठाए हैं, इनकी असर भी धीरे धीरे आने लगेगी। मुझे लगता है काफ़ी हद तक स्थिति में सुधार आएगा। कॉरपोरेट टैक्स काटा, उसकी बहुत सराहना हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने उसकी बहुत तारीफ की, और मुझे लगता है कि उससे काफ़ी इन्वेस्टमेंट को आने वाले समय में बूस्ट भी मिलेगा। मगर आज प्रॉब्लम जो है डिमांड लेड ग्रोथ की है, आज डिमांड नहीं है, तो क्या आने वाले समय में पर्सनल इनकम टैक्स में भी कोई कटौती हो सकती है? वो तो वित्त मंत्री को तय करना है, बजट आएगा फरवरी में बताएगी वो, मैं नहीं कह सकता। वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री ने इसको तय करना है। परंतु जो कॉरपोरेट टैक्स घटाया है वो एक लॉन्ग टर्म स्टेप है। दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भारत को एक ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन बनाने के लिए लिया हुआ स्टेप है, और मैं मानता हूँ इससे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मैं एक ग्लोबल सीईओ से कुछ दिनों पहले बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि आज अगर भारत को हम बाहर से अंदर देखें तो एक ही चीज़ खटकती है, और वो ये है कि कंट्री रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी कभी बदल जाती है कभी, तो ये उनका मत था, तो मैंने सोचा आपके सामने रखूं। मुझे नहीं लगता उन्होंने डिटेल स्टडी किया है। विगत 6 साल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक स्थायित्ववादी अर्थनीति को मोदी जी ने अंजाम दिया है, और इस दिशा में देश आगे बढ़ा है। रघुराम राजन जी कहते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म और ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से डिसीशन मेकिंग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से स्लो हो गई है, क्या आप इस बात को मानेंगे? देखिए, मैं रघुराम राजन की बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, खामखा विवाद मोल लेना नहीं चाहता, मगर मैं इतना ही कहता हूँ कि पॉलिसी बनाने का काम चुने हुए प्रतिनिधियों का है, देश की संसद का है। मैं आपकी बात अच्छी तरह से मानता हूँ अमित भाई, कि आप जो कह रहे हैं कि जीडीपी का जब हम आकलन करें तो औरों के उससे करना चाहिए, और आज भी भारत शायद औरों के मुकाबले अच्छा ग्रो कर रहा है। भारत की एक जो अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम वो ये है कि आज फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत स्ट्रेन है, बहुत स्ट्रेस है, काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स जो है लिक्विडेशन की ओर चले गए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी कुछ स्ट्रेस है, कुछ स्कैम पुराने बाहर निकल के आए हैं, इससे सेंटिमेंट भी बिगड़ रहा है, और ये दिशा क्लियर नहीं हो रही है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल जिस तरह से यूपीए की सरकार चलेगी, जीडीपी के रेफरेंस में जो फाइनेंस होना चाहिए थे इससे कई गुना ज़्यादा, शायद सैकड़ों गुना ज़्यादा फाइनेंस हुआ जी, स्कैम हुए। कभी ना कभी बैंकों की बैलेंस शीट को हम स्वच्छ करेंगे या नहीं करेंगे, वो या वो स्कैम के बोझ पर ही अपने अर्थतंत्र को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। जब ये प्रक्रिया करती है तो थोड़े शॉक्स जरूर आएंगे, जो आए भी हैं, मगर सरकार ने इसका डिटेल स्टडी कर इसके लिए उपाय भी किए, और धीरे 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 अब अर्थतंत्र पटरी पर आ जाएगा। जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, 10 साल तक यहाँ से टेलीफोन पर फाइनेंस हुए, चिट्ठियों पे फाइनेंस हुए, सिफारिशों पे फाइनेंस हुए, तो ये जो हमें लेगेसी मिली है इसको ठीक करने की जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है, और मैं मानता हूँ मोदी जी ने 5 साल के अंदर साहसपूर्ण कदम उठाते हुए इसको अच्छे से किया। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस है, आप कह रहे हैं कि आप उसको सुलझाएंगे, डिपॉजिटर्स शेयर होल्डर्स को आप आश्वासन दे रहे हैं कि इस समस्या का समाधान होगा? जरूर होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेंटिमेंट ड्रैगर है इस वक्त इकोनॉमी, जरूर होगा। वीर सावरकर की बात अभी चल रही थी, उनको भारत रत्न देने की बात चल रही थी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे रूल्स अभी मालूम नहीं, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा रूल्स वगैरह क्या है, परंतु सावरकर जी के बारे में मेरा अभिप्राय बहुत स्पष्ट है। सावरकर जी जितना राष्ट्रभक्त और सावरकर जी जितना, सावरकर परिवार जितना बलिदान देने वाले देश के लिए बहुत कम परिवार है। देश के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको एक जीवन के अंदर 2 जन्मटिप हुए। देश के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने जेल के अंदर हर रोज 250 ग्राम कोपरे को
पीलकर तेल निकालने का काम किया। देश के अंदर एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके दो भाई 12 साल जेल में रहने के बावजूद 12 साल तक एक दूसरे को नहीं मिले। देश के अंदर एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसकी संपत्ति 6-6 बार अंग्रेजों ने कुर्क की हो। तो सावरकर जी के लिए जो विवाद कर रहे हैं वो देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को सावरकर से प्रेरणा लेते हुए रोकने का पाप कर रहे हैं। अमित जी, क्या आप मानते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र का जहां तक सवाल है, इसकी कल्पना को पहले कोई डिफाई कर दे। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कल्पना होती है। भारत अपने संविधान के तहत चलना चाहिए और संविधान के तहत चल रहा है। कुछ ही दिनों में आप 55 वर्ष के होने वाले हैं, आपको एडवांस में हमारी बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। 22 तारीख को क्या कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन वगैरह? कोई सेलिब्रेशन नहीं, मेरा दौरा लगा हुआ है। फैमिली के संग कोई टाइम नहीं बताएंगे? नहीं, फैमिली मेरी अभी तो अहमदाबाद है। आप एक समय में चेस एसोसिएशन के बहुत समय तक प्रेसिडेंट रहे, क्या वहाँ से चेस के प्रेमी हैं, कहाँ वहाँ से ये सब दांव पेच आप जो राजनीति में करते रहे? चेस तो मैं बचपन से खेला था, मगर चेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जरूर रहा। अमित भाई, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।